स्वाहा कर दूंगा यज्ञ करताओं, मैं तुम्हारे यज्ञ को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। याज्ञिक ग्रंथ जी, हमारे यज्ञ में कोई बाधा डाल रहा है, हमें सावधान हो जाना आवश्यक है। बाधाओं से ना डरो, यज्ञ की निरंतरता बनाए रखो। ओम नागेंद्र हाराय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमौली ने नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा। लगता है अब हमारा यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि कोई दुष्ट शक्ति बार बार हमारा यज्ञ भंग करने का प्रयास कर रही है। भगवान शिव यज्ञेश्वर, वो स्वयं हमारी सहायता करेंगे। भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव, कोई अशुभ शक्ति हमारे इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रही है प्रभो, उसे नष्ट करें। देवाधिदेव महादेव, उसे नष्ट करें। अब तुम ये यज्ञ पूर्ण नहीं कर पाओगे ब्राह्मणों, अब भगवान शिव तुम पर प्रसन्न नहीं होंगे। यज्ञ बाधक दुष्ट, कौन है तू? यदि साहस है तो सामने आ। अंधो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, यदि देख नहीं सकते तो अपनी आंखों को दोष दो। अदृश्य मायावी, हमारे यज्ञ में बाधा डालकर अपनी निर्बलता क्यों दिखा रहा है? यदि साहस है तो सामने आ और बता तेरी इच्छा क्या है। मुझे निर्बल कहने वाले मूर्खों, मैं परम शक्तिशाली महिषासुर का पुत्र वरदानी अमर गजासुर हूँ। यदि मुझसे उलझोगे तो प्राणों से हाथ धो बैठोगे। गजासुर हो या महिषासुर, हमने यज्ञेश्वर भगवान शिव की आराधना का शुभ संकल्प किया है, हम तेरे अत्याचारों के आगे झुकेंगे नहीं। यज्ञकर्ताओं, भगवान शिव का नाम लेकर पुनः ये यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम भूतनाथाय नमः। ओम भूतनाथाय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम दुष्ट ब्राह्मणों, दुष्ट ब्राह्मणों, घमंडी ब्राह्मणों, बंद करो ये यज्ञ। यदि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं तुम सबको इसी यज्ञ में झोंक दूंगा। हमारे रक्षक सर्वशक्तिमान भगवान शिव हैं। तुम्हारे अत्याचारों से भयभीत होकर हम इस पावन यज्ञ को कदापि बंद नहीं करेंगे, कदापि नहीं। तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट ब्राह्मणों, मैं तुम्हें तुच्छ जंतुओं की भांति मसल डालूंगा। Oh,
मैं तुम्हें भी कुचल डालूंगा। भोलेनाथ, इन निर्दोष ब्राह्मणों को यज्ञ करने का परामर्श मैंने ही दिया था भोलेनाथ। कृपया आप मुझे इस पाप से उबारे भोलेनाथ, इस पाप से उबारे। जागे शिव शंकर जागे, जागे शिव शंकर जागे। दुष्टों को दंड देने वाले भगवान भोलेनाथ आके खोले, आगे खोले भोलेनाथ, आगे खोले, आगे खोले भोलेनाथ, आगे खोले। स्वामी आंखें खोले, आपकी प्रिय नगरी काशी के भक्त ब्राह्मणों पर गजासुर भयानक अत्याचार कर रहा है, अपने भक्तों की रक्षा करें देवाधिदेव। अपने भक्तों की रक्षा करें भक्त वत्सल। हे देवाधिदेव, सर्वेश्वर, हे त्रिकालदर्शी, निर्दोष और निरीह काशी के ब्राह्मणों को परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी आराधना और अनुष्ठान करने के लिए मैंने ही प्रेरित किया था, कृपया आप उनकी सहायता करें भोलेनाथ। किंतु अब तो विकराल गजासुर के चरणों तले कुचले जा रहे हैं। उन पर होने वाले अत्याचारों का पाप नारद के सिर चढ़ेगा भोलेनाथ। अपने दीन हीन और परम भक्त नारद की प्रार्थना पर कृपया आप अपनी आँखें खोले भोलेनाथ। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, हर 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 हर। परमेश्वर, उस दुष्ट गजासुर को उसकी दुष्टता का दंड देने में इतना विलंब क्यों? देवी, हर दुष्ट के पास अपने पाप संचय करने की एक थैली होती है। पाप वो करता है, किंतु उसकी गणना हम करते हैं, और जिस दिन वो थैली भर जाती है उस दिन उसका कोई भी पुण्य और कोई भी वरदान उसे मृत्यु से नहीं बचा सकता। तो क्या अत्याचारी गजासुर के पापों की थैली अभी तक भरी नहीं है भोलेनाथ? जीवन माटी का एक दिया है नारद, दिया माटी का, ज्योति ईश्वर की, दिया पृथ्वी का, प्रकाश आकाश का, दिया मनुष्य का, ज्योति परमात्मा का, दिया पंच तत्व का, आत्मा परात पर ब्रह्म। गजासुर भी माटी का एक दिया है, किंतु उसके संस्कारों में महिषासुर और गजदंती का ईंधन भरा है। ब्रह्मा जी की तपस्या करके
उसका हृदय बदल सकता था, किंतु शुक्राचार्य की सिद्धियों ने उसके अंदर एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी जिससे उसकी महत्वाकांक्षा वैकुंठ लोक और कैलाश को चुनौती देने का साहस कर सके। गजासुर के दुस्साहस को दंडित करे भोलेनाथ। अवश्य ना, वो क्षण गजासुर के जीवन में अवश्य और शीघ्र आएगा। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उस माटी के दिए गजासुर का ईंधन हम ही समाप्त करें। हमारा भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग क्षेत्र है। श्री शैलम है आंध्र में, रामेश्वरम है तमिलनाडु में, भीमशंकर, ओमकारेश्वर, घुसलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागनाथ, इतनी 5 है महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ गुजरात में है। केदार और काशी उत्तर प्रदेश में है। इस जगह पर प्रभु शंकर जी भगवान जनता के लिए, महर्षि लोगों के लिए, तपस्या करने वालों के लिए स्वयं खुद स्वयंभू रूप में, ज्योति रूप में दर्शन दिया है, इसलिए ज्योतिर्लिंग नाम कहा जाता है। अत्याचारी गजासुर, समाप्त कर दे अपने अत्याचार, अन्यथा हमारे त्रिशूल से निकला महाकाल तुझे इसी क्षण समाप्त कर देगा। तो आप ही हैं शिव शंकर, हम असुरों के आराध्य शिव शंकर। जो अत्याचार करता है वो हमारे क्रोध का पात्र बनता है दुष्ट, तुरंत रोक दे अपने ये कुकृत्य। ये मूर्ख ब्राह्मण आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, अब परिणाम देखिए, आप प्रसन्न होने के बदले क्रोध से दहाड़ रहे हैं। इन मूर्खों की आराधना व्यर्थ हुई, यही मेरी इच्छा थी, ये असफल रहे, मैं सफल हुआ। यदि आप हम असुरों के आराध्य हैं तो हमारी युगों की आराधना भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप लौट जाइए शिव शंकर, हम असुरों पर प्रहार करना आपके लिए उचित नहीं है। दुष्ट गजासुर, तुझे अपनी करनी का दंड अवश्य मिलेगा। देव हो या असुर, मनुष्य हो या पशु, जो अधर्म और अत्याचार में लिप्त हो जाता है वो हमारे हाथों जीवित नहीं बचता, और जो सच्चे मन से हमारी आराधना करता है उसकी रक्षा के लिए हम सदा प्रस्तुत रहते हैं। ये विराट शरीर अब सदा सदा के लिए छोटा हो जाएगा। तेरे दुष्कर्मों के कारण तेरी सारी चमत्कारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। Thank you.
गजासुर, अब तेरा गजासुर नाम सार्थक हुआ। तू गज रूपधारी, गज जैसा काला बन गया। हम तुझे अंतिम चेतावनी देते हैं कि तू जिस पाताल लोक से आया था वहीं लौट जा। कदापि नहीं, पाताल लोक जाने के लिए मैंने कठोर तपस्या नहीं की थी, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त नहीं किया था। हम असुरों के आराध्य होने के नाते आप मुझे मार नहीं सकते। मैं पृथ्वी और स्वर्ग लोक जाकर असुर शक्ति का ध्वज अवश्य फहराऊंगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध देवताओं से लेकर ही रहूंगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शिव शंकर। गजासुर, तुझ जैसे दुष्ट असुरों के आराध्य हम नहीं हैं। यदि तूने इसी क्षण हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो तू जीवित नहीं रह पाएगा। शिव शंकर, आपने मेरी पहले की शक्तियां छीन ली हैं, परंतु मेरी वरदानी शक्तियां अभी विशेष हैं। मैं इच्छा अनुसार अस्त्र शस्त्र प्रकट कर सकता हूं और अपने आराध्य का नाम लेकर आप पर भी प्रहार कर सकता हूं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, गजासुर तो देखते ही देखते आपका शत्रु से भक्त बन गया, अब आप इसका संहार कैसे करेंगे? गजासुर, हमारा नाम लेने मात्र से तेरी रक्षा नहीं होगी। ये उन्माद त्याग कर पाताल लोक लौट जा। लौट जा पाताल लोक गजासुर। नहीं, कदापि नहीं। जय शिव शंकर, अस्त्र शस्त्र प्रकट हो। ये क्या कर रहे हैं शिव शंकर? हम असुरों के आराध्य होकर मुझ असुर को मेरे ही शस्त्रों से पीड़ित कर रहे हैं, क्या ये अन्याय नहीं है शिव शंकर? परंतु अन्याय का प्रतिरोध करना मैं जानता हूं। मैं अपनी वरदानी शक्ति का उपयोग करके इन सभी दुष्ट ब्राह्मणों को समाप्त कर दूंगा। Ha 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 ha
शंकर, अब मैं अपने मूल रूप में आकर तुम्हें समाप्त कर देता हूं। गजासुर, मैं यहां हूं। गजासुर, 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 अब तेरा संहार निश्चित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम असुरों के परम आराध्य शिव शंकर, मैं अपने पिता महिषासुर के पद के पश्चात पाताल लोक के अंधेरों में भटक रहा था। मैं पृथ्वी पर आया हूं केवल आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए। गजासुर, हम जानते थे तुम्हारा उद्धार हमारे ही हाथों होना है। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा पृथ्वी पर प्रकट होना दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में तपस्या का भाव जगाकर तुम्हें तपस्या के लिए प्रेरित करवाना, तुम्हारा वरदान पाना और यहाँ आना
ये सब हमारी ही लीला का एक अंग था। गजासुर, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैंने यदि कुछ अनुचित किया या कहा हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे करुणा निधान। गजासुर, अब तुम हमारे क्षमा के ही नहीं करुणा के भी अधिकारी बन गए। तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई शिव भक्ति का पारितोषिक तुम्हें अवश्य मिलेगा। हमारे हाथों मृत्यु का वरण करके तुम असुर योनि से मुक्त हो चुके हो। अब और क्या इच्छा है? सदाशिव, मेरे शरीर की मृत्यु के पश्चात मेरे गत चर्म को अपने शरीर पर धारण करके मेरे जन्म और मरण दोनों को धन्य कर दे। यही मेरी अंतिम इच्छा है शिव शंकर। तथास्तु गजासुर। ओम नमः शिवाय। हम तुम्हारी इच्छा का तुरंत सम्मान करेंगे। जय शिव शंकर। इस गत चर्म के रूप में अब गजासुर सदा सदा के लिए शिवलोक में निवास करेगा। धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य है। गजासुर उद्धारक गज चर्म धारी भगवान भोलेनाथ की जय। गजासुर उद्धारक भगवान शिव शंकर की जय। गजासुर उद्धारक भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। परमेश्वर, ये क्या आपने अपना वेश परिवर्तित क्यों किया? इस गज चर्म के रूप में अब गजासुर कैलाश में आ पहुंचा है। उसकी अंतिम कामना पूर्ण करने के लिए ही हमने ये गच्चर्म धारण किया है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पधारे ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं देवर्षि नारद। पधारे। प्रभु, आपकी इच्छा से ये सारा कार्य संपन्न हुआ और आपकी इच्छा से ही मैंने गजासुर को वरदान दिया। और उस वरदान में काम विजयी शिव के हाथों उद्धार होने का गजासुर को संकेत भी दिया। प्रभु, आपकी इच्छा के अनुरूप ही मैंने देवर्षि नारद को कोई परामर्श नहीं दिया। इस प्रकार आपने ब्रह्मदेव और हमारी इच्छा का सम्मान किया। हम त्रिदेवों में इच्छा और कार्य की एक रूपता आवश्यक है। आप धन्य है श्री। इस बार आप त्रिदेवों ने हम त्रिदेवियों को कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया। वो अवसर एक बार नहीं, बार बार आएगा देवी। हम त्रिदेवों को आप तीनों की सहायता की आवश्यकता सदा बनी रहेगी। क्यों ब्रह्मदेव, श्री हरि? आप सत्य कह रहे हैं। परमपिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की जय। जय जय। परम पिता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु एवं भोलेनाथ की जय। जय जय। आपके महाशिवरात्रि पर्व की जय। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवराज इंद्र, देवगणों के साथ महाशिवरात्रि पर्व पर आप सभी का कैलाश पर स्वागत है।
सुंदर, अति सुंदर माता, ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कृपा से कैलाश पर वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। नारद, शिव शंकर का हर क्षण वसंत ऋतु के समान ही है, किंतु भोलेनाथ स्वयं तपस्या और त्याग की मूर्ति है। आडंबरों में इनका मन नहीं रमता, सादा जीवन और कठोर अनुशासन ही महादेव के आदर्श हैं। भोलेनाथ, आज हम सब आपका महाशिवरात्रि पर्व पर अभिनंदन करने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। महादेव जी, महाशिवरात्रि पर्व की महानता को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, तथा आज तो दैत्यराज गजासुर के वध से हमारी प्रसन्नता दुगनी हो गई है। हे विश्वनाथ, आज के परम पावन दिन हम सब शिव भक्त आपके दिव्य अलौकिक एवं विराट स्वरूप के दर्शन करने के इच्छुक हैं। हाँ स्वामी, आज के परम पावन दिन आपके विराट स्वरूप के दर्शन करना तो हम सबका सौभाग्य है। कृपया हम सब शिव भक्तों पर कृपा करें, हमें अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराएं। परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। हमारे इस विराट स्वरूप के दर्शन के साथ साथ आप सभी के मन में यदि कोई जिज्ञासा हो तो उसे निस्संकोच प्रस्तुत करें। भोलेनाथ, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें, मैं शिव तत्व के उद्देश्य को समझने का इच्छुक हूँ। लोक कल्याण ही शिव तत्व का मुख्य उद्देश्य है। इंद्रदेव, प्रभु आपके द्वारा रचित विधान के अनुसार श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालक हैं, और आप महादेव सृष्टि के संहारक हैं, स्वयं महाकाल हैं, और शिव तत्व का उद्देश्य लोक कल्याण भी है। प्रभु इस शिव तत्व के रहस्य को स्पष्ट कर समझाएं। देवराज, ये सत्य है कि हम सृष्टि विधान में विनाश के अधिपति महाकाल हैं, किंतु आप ये सत्य कैसे भूल गए कि हमने ही समुद्र मंथन से निकले हलाहल कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा की थी। सर्वेश्वर जगत रक्षक एवं महाशिवरात्रि पर्व की जय। भोलेनाथ, श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी एवं इस सृष्टि की रचना आपकी इच्छा द्वारा ही संभव हुई है। आपकी इस इच्छा का आधार क्या है? देवी सरस्वती, इस शिव इच्छा का आधार है शिव तत्व की सर्वव्यापकता। कारण कि ये समस्त सृष्टि मुझ में समाई हुई है, तथा मैं इस समस्त सृष्टि के कण कण में विद्यमान पंच तत्व और सतरज तमोगुण मुझसे ही प्रकट होते हैं। मैं प्राणी मात्र के हृदय में स्थित
आत्मा हूं, मैं ही समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूं। महादेव जी, कृपा करके बताएं कि शिव तत्व की उत्पत्ति कैसे संभव हुई? देवी लक्ष्मी, मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं और न ही ऋषिजन, क्योंकि मैं इन सभी का जनक आदिदेव परात पर ब्रह्म, मैं अजन्मा अविनाशी तथा अनादि हूं। ओम नमः शिवाय। प्रभु, कृपया बताएं कि आपको प्राप्त करने का मार्ग क्या है? भक्ति, भक्ति ही मुझे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है नारद। प्रेम तथा समर्पण सहित मेरे पंचाक्षरी मंत्र का जप करने वाले भक्त को मैं वो ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वो मुझ शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। भोलेनाथ, भोलेनाथ कृपया बताएं कि इस सृष्टि को विनाश से कैसे बचाया जा सकता है? निर्माण और विनाश तो समय के काल चक्र पर निरंतर घूमने वाली प्रक्रिया है नारद, किंतु विनाश के अधिपति महाकाल सदा शिव ये विश्वास अवश्य दिलवा सकते हैं कि जब तक प्राणियों में धर्म और भक्ति का अंश शेष है, तब तक ये सृष्टि विनाश से सुरक्षित है। स्वामी, इस सृष्टि के लिए आपका अमर संदेश क्या है? अहंकार, अत्याचार तथा पाप की भावना को त्याग कर हर प्राणी अपना प्रत्येक क्षण मुझे समर्पित कर अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह करें, यही मेरा इस सृष्टि को संदेश है। सर्वेश्वर, जगत रक्षक एवं महाशिवरात्रि पर्व की जय। महाशिवरात्रि दिन पर सब लोग बिल्वपत्र डालना, चंदन लगाना, फूल लगाना, बिल्वपत्र भगवान का चरण में समर्पित करने से जितनी हमारा पूर्व कर्म है उतना भी कम हो जाएगा प्रभु का कृपा से। हर एक मंदिर में शिव पूजा होना, भक्तों लोगों ने हर एक संस्था द्वारा शिव पूजा करने का प्रचार प्रसार करना, उसमें भी माघ मास में शिवरात्रि महाशिवरात्रि होती है, बड़ा पर्वकाल है, पुण्यकाल है। सामान्य दिन पर एक बिल्वपत्र चढ़ाने से एक भाग लाभ आता है, पुण्य मिलता है। मुख से जप, मन से ध्यान, हाथों से पुष्प चढ़ाना, ये तीन ये मुख्य चीज है। इस प्रकार प्रभु का, चंद्रमणीश्वर कृपा का और केदारनाथ प्रभु का, शंकर भगवान का नाम प्रयोग, जितनी नाम रूप होगा उतनी का भी हम लोग मानसिक रूप में पूजा करके, मानसिक रूप में शांति लेने के लिए हम लोग प्रयास करके अपना जीवन का धन्य बनाना।